आवाज आवे से बुधा ने? सर, यस सर, ओके ओके यस ओके ओके। हाँ, गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। आई वुड लाइक टू वेलकम आवर एचओडी सर, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स एंड पार्टिसिपेंट्स एंड अवर एक्सपर्ट फॉर दिस टुडेज सेशन, गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अवर एक्सपर्ट। देर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वन दैट ही इज एल्यूमिनाई ऑफ अवर कॉलेज ऑफ आर आईसी डिपार्टमेंट। ही वॉज हियर इन ड्यूरिंग 2014 टू 2018। एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग एज अ सीनियर इंजीनियर इन कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इन हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ही हैज वर्कड ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। ही वॉज वर्किंग ऑल्सो विथ रिलेटेड टू वर्क रिलेटेड टू बायोटेक, विच इज मैन्युफैक्चरिंग कोविड वैक्सीन्स, राइट? सो टुडे ही विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लाइक द कोर्स और प्रेजेंटेशन विल बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, मोस्टली रिलेट और टेक्निकल एस्पेक्ट्स विल बी देयर, बट इम्पॉर्टेंटली वॉट एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज टू डू वंस ही कम्प्लीट्स इट्स इंजीनियरिंग एंड ही जॉइन्स द मेन स्ट्रीम फील्ड, राइट? सो नॉट टेकिंग मच टाइम, वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यश टू स्टार्ट इज प्रेजेंटेशन। हाय एवरीवन, हिंदी में ही स्टार्ट करते हैं। सबको आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर, यस ओके सर। ओके। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो दक्षिणी सर ने दे दिया है। मैं अभी हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया में एज अ सीनियर इंजीनियर की पोस्ट में काम कर रहा हूँ। पहले जब मेरी फर्स्ट जॉब थी तो पावर प्लांट में था, उसके बाद स्विच कैडिला में किया और कैडिला से बाद में हनीवेल में ज्वाइनिंग किया। अभी सीधे टॉपिक के जाते हैं। इफ यू वेंचर यू विल गेट सक्सेस, तो ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं, जो पास आउट होते हैं, और आपको जब जॉब जॉब लगने का जो समय कर रहा है, उस टाइम का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन का जो टाइम होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। उसमें आप बहुत ही ज्यादा सोचते हैं और अलग अलग थिंकिंग माइंड माइंड में माइंड माइंड में क्रिएट होता है। तो उस समय गारे में आप कैसे हैंडल कर सको और कैसे इम्प्रूव कर सको आपके फ्यूचर में, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको डिस्कस करूंगा। तो पहले कि आपने जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं, जॉब करूं या स्टडी करूं। ये फर्स्ट थिंग है, तो आपको ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप क्या करें, वो आपको ही पहले सेट करना पड़ेगा कि आप जॉब करना चाहते हो या फिर आगे स्टडी करना चाहते हैं। जो आपने डिसाइड किया उसमें ही आपको सब इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जॉब नहीं लगी तो आपने स्टडी चालू कर दी, कि क्या मैंने कई सारे बंदे देखे कि जॉब नहीं लगते है तो वो है ना सीधा हमारे बी के बाद जो एमई है एमबी है वो सब फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी आगे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल ऐसी गलती मत करो। पहला अपना जो गोल है ना वो सेट करना चाहिए कि पहले आप करना क्या है। वो आपने तय किया तो मुझे जॉब करनी है तो आप उसके ही फोकस कीजिए, बीच में से छोड़ो मत। स्टडी करने का जो विचार है ना वो मन में लाओ ही मत। तो आपने जब एक बार डिसाइड कर दिया तो आपको उसमें ना समराइज करना है, एनालाइज करना है कि मैं आगे कैसे बढ़ू। ऐसा नहीं है कि आपने एक तय किया कि मुझे एमई करना है तो आपने एमई चालू कर दिया, नो डाउट, स्टार्ट कर दिया, नो डाउट। बट जो स्टार्ट करने के बाद आपका जो ग्रुप है उसमें से कि कोई बंदे को जॉब अच्छी अच्छी सैलरी में लग जाती है तो आपके मन में विचार आता है कि मैं भी अब जॉब चालू कर दूं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जो डिसाइड किया है वही करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी फोकस कैसे करें। आपने तय कर लिया कि मुझे जॉब करना है तो जॉब करने के लिए पहले आपको ये पर्टिकुलरली डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से फील्ड में एक्सपर्ट हो या कौन से सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है। वो
वो आपने तय किया, उसके बाद उसको आपको एनालाइजिस करना है और उसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है और आप उसमें कौन आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? नो नहीं नो सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल. ओके ओके नाउ विजिबल नाउ इट इज विजिबल यस. ओके तो मैं इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया कि अब जॉब करने का सोच लिया है तो पहले आपको क्या करना चाहिए. तो डिपेंड ऑन योर स्किल और इंटरेस्ट. तो पहले आपको जो इंटरेस्ट स्किल है वो डेवलपिंग करनी है, बाद में उसके बाद हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल जो फील्ड है ना उसका बेसिक आपको क्लियर ही होना चाहिए. और चाहिए तो उसमें आप ऑटोमेशन क्लास भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको इस टाइम में सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट है वो आपको एक शेड्यूल क्रिएट करना है कि जो आप इस टाइम में कैसे हैंडल करो. तो सब लोग क्या गलती करती है कि आपने जॉब करने का सोच लिया तो वो पूरे दिन है ना जॉब ही ढूंढने के लिए लग जाते हैं गूगल पे या किसी वेबसाइट पे. ऐसा नहीं करना है आपको. सबसे पहले तो ये चीज छोड़ देनी है कि पूरे दिन आप जॉब नहीं ढूंढेंगे. आपको पर्टिकुलरली टाइम डिसाइड करना है कि मैं एक घंटा या आधा घंटा जॉब सर्च करने में टाइम बिताऊंगा. उसके बाद मैं अपने इंटरेस्ट स्किल को या प्रैक्टिकल हो नॉवल हो वो सब पढ़ूंगा. ये सब आपको पहले फर्स्ट थिंग है ना वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से आपका टाइम हैंडल कर पाओगे. वैसे वरना तो आप किसी पे भी फोकस कर नहीं पाओगे. आपने जब सर्च करने में लगाना है उसके बाद क्या करना है, तो आपका जो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में जितने सब्जेक्ट है ऑटोमेशन तक से यस या प्लीज मेक इन अ प्रेजेंटेशन मोड. मेक स्लाइड एज अ प्रेजेंटेशन मोड. इट इज राइट नाउ इट इज नॉट इन प्रेजेंटेशन मोड. जस्ट वन मिनट. स्लाइड शो मोड में आई जस्ट स्लाइड स्लो मोड. वन मिनट. तो मैंने जो आपके बोला वो सब मैंने आपको कह दिया. अभी मैं प्रेजेंटेशन में आपको थोड़ा शेयर करूंगा कि आपको जो पहले इंस्ट्रूमेंटेशन में जो पर्टिकुलरली जो है वो आपको पहचानना पड़ेगा. यस अभी F8 प्रेस F8 व्हाट प्रेस F8 स्लाइड स्लो. दिख रहा है अभी नहीं अजीत? वो नहीं हुआ है, स्लाइड शो के मोड में नहीं हुआ है. प्रेस F5. इट इज नॉट वर्किंग. Okay, we can carry on with his speech rather if it is not comfortable. Okay. Carry on. तो हम जो सोच रहे थे हम वो टॉपिक के बात कर रहे थे कि आपको पहले आपने जो डिसाइड किया कि आपको किसके फील्ड में जाना है तो उसमें आपको पहले समराइज करना पड़ेगा कि आपके इंस्ट्रूमेंटेशन में से आपको कौन सा जो टॉपिक है वो आपको आपको सबसे अच्छा लगता है. मैंने इधर लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा शायद
कोर टॉपिक जो है हमारे मेजरमेंट है, कंट्रोल वाल्व, प्रोसेस कंट्रोल लूप, कंट्रोल सिस्टम जैसे, वो उसमें से आपको कोई पर्टिकुलरली डिसाइड करना है। उसके अलावा भी बहुत सारे है जो आपको दक्षिणी सर से भी आप ले सकते हो, या फिर नेट पर सर्च करके भी आप जान सकते हो कि हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन से कोर कोर टॉपिक है और आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। वो उस डिसाइड करने के बाद आपने जो टॉपिक डिसाइड करना डिसाइड किया उसमें आपको सबसे पहले फुल एनालाइज करना है कि उसका जो बेसिक है वो क्या है और उसमें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकली नॉलेज जान सकते हैं। अभी तो यूट्यूब का जमाना है तो यूट्यूब में सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा। आप प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है और उसका कुछ कैलिब्रेशन करना चाहते हो तो उसके बारे में भी अभी यूट्यूब में आपको दिखने मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास फिजिकली वो इंस्ट्रूमेंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले से अभी ये बताता हूँ कि हमारी फील्ड क्या है और कहाँ से कैसे कि कहाँ का आप जॉब जा सकते हो, और जॉब जाने से पहले आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। तो आप सबको पता ही होगा कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, सबको पता है ना? हेलो, यस यस सर यस। कोई एक बंदा बताएगा इंस्ट्रूमेंट क्या है बेसिकली? सर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा चीज है जो हम प्रेशर है, फ्लो है, टेम्परेचर है, वो मेजर कर सकते हैं। नहीं नहीं, इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन देंगे, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो सर। इंस्ट्रूमेंट ये है कि कोई अपने ह्यूमन बीइंग है उसके वो जो वर्क है वो आसान बना देता है। तो मैंने बताया ऐसा ही है कि इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन लाइफ को इजी बना ले, और जैसे कि इसमें मुझे लिखा है कि अ मीन बाय समथिंग इज डन एंड इज अ वन यूज्ड बाय टू अनदर, तो मैं ये अब प्रपोज अ इंप्लीमेंट यूज्ड टू टू फैसिलिट टू वर्क, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है? तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है कि इंस्ट्रूमेंटेशन एक ऐसा एरिया है जिसमें आप प्रोसेस वेरिएबल लाइक टेम्परेचर, फ्लो है, और जो अदर जो हमारे पीएच वो सब आप कंट्रोल और मॉनिटरिंग कर सकते हो। बाद में आता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट क्यों चूज किया, तो ये इसका एक रीजन है कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल जो फील्ड है ना वो मैन पावर की जो कमी है उसको मिटा देता है। कि आपने इसको कंट्रोलर लगा दिया तो उसके बाद जो मेन पावर है उसमें आपको 50% कम हो जाएगा। कि दो बंदे की जरूरत है तो आप एक बंदे में ही काम करवा सकते हो, ठीक है ना? बाद में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक बताऊंगा कि ये आप जब जॉब ढूंढने लगते हो तो आपके मन में कई सारे सवाल आते हैं कि अब इंस्ट्रूमेंटेशन कर दिया तो मैं किस फील्ड में जॉब करूंगा, अब मैं क्या करूंगा और कैसे जॉब अप्लाई करूंगा। कोई बंदे बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई स्कोप ही नहीं है और मैं अभी आगे जाके क्या करूंगा। तो ये सारे जो सवाल है ना वो सबके माइंड में आते हैं। जब मैंने भी पास आउट किया तो मेरे मन में भी आए थे, ऐसा नहीं कि नहीं आया था, मेरे माइंड में भी आया था। लेकिन मैं वही आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंटेशन करने के बाद कहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी जो फील्ड है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है और हर जगह पे हमारी फील्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने इस स्लाइड में बताया कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज स्टील, ऑयल, पेट्रोकेमिकल, पावर एंड डिफेंस प्रोडक्शन विल हैव अ
separate instrumentation department which is the managed and the managed by instrumentation engineer. तो सारी फील्ड में जो ऑटोमेशन है ना वो हमारी हमारे इंजीनियरिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तो प्रोसेस इंडस्ट्री हो गई। लेकिन कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग ऑटोमेशन में जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम आते हैं, HVAC जो आता है, बाद में फायर अलार्म सिस्टम आते हैं, वही इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर ही मैनेज करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी ने बोल दिया कि इंस्ट्रूमेंटेशन की वैल्यू कहीं भी नहीं है, ऐसा नहीं है। हर जगह पे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। आप चाहे तो गूगल पे भी देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर कहाँ कहाँ काम करते हैं। ये मैंने एक स्लाइड में तो दिखा है, लेकिन आप ज्यादा डिटेल चाहिए तो गूगल पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन जो ये हर जगह पे यूज होता है, जैसे कि माइक्रोवन रडार, बर्गल अलार्म सिस्टम, रेगुलेशन, आपके आजू बाजू भी इंस्ट्रूमेंटेशन दिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो भी है वो प्रोसेस वेरिएबल है, वही है वन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर ही सब हैंडल करते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का जो रोल है बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम मैंने बताया कि आप कहाँ कहाँ तक कहाँ कहाँ पर्टिकुलरली जॉब कर सकते हैं, तो मैंने एक स्लाइड में लिखा है कि ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, मटेरियल प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, इसमें से कोई भी इंडस्ट्री में आप जॉब आसानी से कर सकते हो और आपका करियर जो है ना सेट। इससे पहले आपको इस फील्ड का पूरे का पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपका बेसिक है वो टोटली क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जॉब ऐसे रट्टा मार के जॉब आपने क्रैक कर दी, उसके बाद फील्ड में गए और आपके आगे कोई प्रेशर स्विच रखी, तो आप ऐसा नहीं है कि उसको पहचान ही ना पाइए। आपको पता होना चाहिए प्रेशर स्विच का बेसिक फंक्शन क्या है, या कोई लिमिट स्विच है तो उसका बेसिक फंक्शन क्या है, वो सब आपका बेसिक है ना वो क्लियर होना चाहिए। बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन का रोल बायोमेडिकल में भी रोल बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दक्षिणी सर ने बताया कि मैंने भारत बायोटेक में विजिट किया था, तो आपको जो कोई ऑटोमेशन इंजीनियर है तो उसको ये पोस्ट मिलती है कि इन्फेक्शन करने के लिए वहां का PLC का इन्फेक्शन और सर्टिफाइड करने के लिए आपको भेजा जा सकता है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर ही जाता है। जब आप गए चेकिंग में तो क्या क्या चेक करना है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं गया था तो वहां पे हमारी PLC लगी थी, उसका सर्टिफाइड मुझे देना है, तो मुझे बेसिक क्या क्या वहां पे चेक करना चाहिए वो तो आप प्रैक्टिकली गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, ये सब आपको बेसिक क्लियर करना है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि कोई आपको इन्फेक्शन में भेजता है तो उसका आपका पहले तो फेरालिंग PLC का इनपुट और आउटपुट चेक करना है, कोई जो उसके साथ जो लूप की गए डिवाइस है उसमें ग्राउंड फॉल नहीं होना चाहिए, ये सब आपको बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। बाद में आपके मन में यही विचार आएगा कि जब ऐसा नहीं है कि टेक्निकल जो बंदा है उसके साथ कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी काम करता है और आपसे ज्यादा सैलरी लेता है, तो आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि ऐसा क्यों, मेरी वैल्यू और उसकी वैल्यू, आपको तो ऐसा ही लगेगा कि उसकी सैलरी ज्यादा है, उसने शायद ITI किया है तो आपको सोचेंगे कि उसकी सैलरी मेरे से ज्यादा क्यों है। लेकिन आपको ऐसा डर है वो दिमाग में नहीं रखना चाहिए, आप इंजीनियर हो और ITI लेवल का है, आपके दोनों का कंपटीशन भी आपको बताऊंगा। जो टेक्निकल काम है ना वो कोई भी बंदा कर सकता है, मैंने बोल दिया कि इसका जो कनेक्शन है वो कर दे तो वो कर लेगा, लेकिन उसमें हमारा रोल क्या है इंस्ट्रूमेंट का, तो इंस्ट्रूमेंटेशन का मेन रोल वो है कि आप उसका जो प्रोसीड्यूर है स्टेप टू स्टेप है वो आप ही जानते हैं, वो बंदा नहीं जानेगा कि ऐसा करना है। अब कुछ फॉल्ट आया, कोई वाल है जो माल फंक्शनिंग कर रहा है,
तो वो नॉन टेक्निकल बंदे को आता है वो आपको रिजोल्व कर देगा, लेकिन उसको वो नहीं पता है कि उसका रूट कॉज क्या है, ये कैसे पॉलिटिक हुआ था, उसके स्टेप क्या है, वो सब उसको नहीं पता है, वो सब आप ही जानेगा। इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको पहले आपका खुद का जो एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि वो नॉन टेक्निकल बंदा आपसे ज्यादा सैलरी ले रहा है तो आपके माइंड में ऐसा ख्याल आएगा कि यार ऐसा कि ये ज्यादा सैलरी ले रहा है, तो आपको काम करने की जो इच्छा है ना वो खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा एग्जैक्टली जो रोल है वो ये है, भले वो सैलरी ज्यादा ले रहा है लेकिन वो मेरे बिना वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने काम कर दिया नो डाउट, लेकिन जो वो रूट कोस उसका फाइंड करना आएगा तो वो आपके पास ही आएगा और उसमें आपकी साइन लगेगी, आप अप्रूव करेंगे तभी वो आगे सबमिट कर पाएगा। इसलिए आपको अपना पहला रोल पता होना चाहिए, ये जो है ना मेन इंडस्ट्री की खासियत है, क्योंकि टेक्निकल काम तो कोई भी बंदा कर सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन आपका हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर बने तो हमारा रोल आपको पता होना चाहिए। जो आपको जॉब लगी तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर में जब आपको जॉब लगती है तो कई सारी फील्ड में लगती है, प्रोजेक्ट इंजीनियर में लगती है, सर्विस इंजीनियर में लग सकती है, प्लांट मेंटेनेंस में लग सकती है, या ऑटोमेशन इंजीनियर में लग सकती है, या और कोई भी फील्ड में आपको लग सकती है। तो आपका जो रोल है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने शॉर्ट में कुछ बताए, वो आप देख रहे होंगे मेरे साथ स्लाइड में, कि रिव्यू क्लाइंट टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन एंड रिक्वायरमेंट। जो क्लाइंट जैसे कि कोई क्लाइंट ने आपको डॉक्यूमेंट करने के लिए भेजा सबमिट करेगा तो आपको रिव्यू करना है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देखनी है, वो काम आपका पहला है जो आप प्रोजेक्ट इंजीनियर हो। तो बाद में जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चेक करना है, बाद में सब एक डिफाइंड इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट, जैसे कि मुझे कोई एक छोटा सा प्लांट है चिलर वाटर प्लांट, तो उसमें मुझे पीएलसी इंस्टॉल करना है, तो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है तो मुझे डिफाइन करने पड़ेगा, लाइक द डिफाइंड इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट। बाद में टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो है यानी कि जो डेटा शीट है वो आपको प्रिपेयर करना है, बाद में जो टेक्निकल सपोर्ट है जो प्रोजेक्ट ग्रुप के आपके जो ग्रुप हो उसमें टेक्निकल सपोर्ट करना है, बाद में इंस्ट्रूमेंट सिस्टम कॉस्ट सिंप्लीफिकेशन एंड विद द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो बाद में स्पेसिफाइंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको डिटेल नहीं बता देता, इतना ही बताता हूँ क्योंकि टाइम कम है। तो आपको पहले जो आपके फील्ड में जाते हो तो आपको ये सब बेसिक आपको क्लियर करना है, उस टाइम में जो आप जॉब ढूंढने जाते हो तो पहले आपको आपने जो डिसाइड किया वो जो है ना आपको स्पेसिफाइड स्किल उसके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट और उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि आपको कुछ प्रैक्टिकल पीएलसी है तो आप उसका कोई प्रैक्टिकल ही तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि पीएलसी बहुत महंगा आता है, तो आपको उसको प्रैक्टिकल ही जानना है। तो मार्केट में रास्पबेरी पाई है, आर्डिनो ऐसे माइक्रो कंट्रोलर है वो तो मार्केट में मिलते हैं, तो आप एटलीस्ट वो खरीद सकते हैं और उसमें से आप प्रोग्रामिंग करके सी, ज्यादातर उसमें सी लैंग्वेज ही आता है, वो आप प्रोग्रामिंग करके घर में कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट तो बना सकते हैं, तो उससे आपकी जो स्किल है ना वो डेवलप होगी। इससे क्या होगा कि आपका पीएलसी का जो बेसिक जो नॉलेज है वो तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पीएलसी में भी एक कंट्रोलर है और वो आर्डिनो खुद ही एक एटमेगा 328 PG कंट्रोलर यूज करता है, सब में उसमें भी एडीओ आता है और पीएलसी में भी वही सब आता है, लेकिन वो जो एक्यूरेसी वो पीएलसी की ज्यादा होती है, लेकिन वो यूज करने के बेनिफिट ये है कि आप वो यूज करने के प्रैक्टिकली करेंगे तो एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि पीएलसी भी एक ऐसे ही काम करता है, तो आपको कोई इंटरव्यू में जाए तो
एटलीस्ट कोई पूछेगा कि इसमें क्या एआरडीओ क्या होता है, तो वो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा आप वो खरीद के आपको प्रैक्टिकली कर सकते, पीएलसी नहीं खरीद सकते हो तो मुझे भी पता है, लेकिन ऐसा कोई कंट्रोलर छोटा सा आरडीओ रास्पबेरी पाई हो वो आप खरीद के वो तो आप क्लियर कर सकते है। ओके यस सर। तो कोई अभी घर पे कोई यूज कर रहा है ऐसा कोई कंट्रोलर जो कोई रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट कर रहा हो? आई थिंक नो एवरीवन। Yeah, yes. एक बंदा तो बोलिए कि कुछ कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगे कि ना इंस्ट्रूमेंटेशन के जो बंदे कुछ तो प्रैक्टिकली कर रहे घर पे। यस सर। ओके, तो आपको क्या यूज कर रहे हो, रास्पबेरी पाई या आर्डिनो? यस सर, रास्पबेरी पाई। ओके, कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो? सर हमारा सर डीई का प्रोजेक्ट था सर, क्या बोलते हैं, व्हील चेयर का था सर। ओके वेरी गुड। अभी कर रहे हो या जॉब सर्च कर रहे हो? नहीं सर, अभी तो सर कॉलेज ही चल रहा है। क्या सर? मतलब वो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया था सर, उसमें व्हील चेयर वाला सर। आपने ओके आपने कंप्लीट कर दिया, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको जॉब नहीं लगी तब तक तो आप उसके दूसरे कुछ प्रोजेक्ट पे आप काम कर ही सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिकल जो स्किल है ना वो बहुत ही डेवलप हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल स्किल एक वन टाइम डेवलप हो गया तो उसके बाद आपको जॉब ढूंढने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने जहाँ भी इंटरव्यू देने जाएगा तो वो आपका बेसिक ही पूछेगा, डीप में नहीं पूछेगा, क्योंकि पता है कि आप फ्रेशर हो, तो फ्रेशर को कुछ नहीं पूछेगा, फ्रेशर को यही पूछेगा कि बेसिकली पीएलसी होता क्या है, उसमें मार्शलिंग कैबिनेट, सॉरी मार्शलिंग कैबिनेट के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन मार्शलिंग कैबिनेट एक पीएलसी का जो इनपुट एंड आउटपुट ग्रुप होता है उसको हम मार्शलिंग कैबिनेट बोलते हैं। वो ये ऐसा पूछेगा कि एआई में क्या आएगा, डीआई में क्या आएगा, जो आपने इस घर पे खुद के जैसे कि आर्डिनो रास्पबेरी में काम किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कौन से डिवाइस कहाँ तक कहाँ यूज कर सकते हैं। राइट मयूरा दिलीप? यस सर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप जो है ना ये कुछ प्रैक्टिकली करना चाहिए और उसके बाद आप तो उसको सॉफ्ट स्किल बजन सॉफ्ट स्किल है वो इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि दूसरे कौन से, ये तो मैंने ऑटोमेशन की बात किया, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट की यानी कि प्रोजेक्ट इंजीनियर में भी जा सकते हो। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर में गए तो आपके जो बेसिकली जो स्किल होती है उसके क्या रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको शेयर करूंगा कि उसमें आपको पहले तो एक्सेल जो स्किल है यानी आर यू स्ट्रॉन्ग विथ एमएस ऑफिस फैमिलियर सॉफ्टवेयर, ओके, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एमएस ऑफिस के कोई भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बाद में आप क्या करें कि इंटरनेट पे जाके आपको मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ कि क्या करना, आप प्रोजेक्ट इंजीनियर लगते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो उसमें आपको पीओएम प्रिपेयर करना पड़ता है, डेटा शीट देनी पड़ती है और पीएनडीआईडी है वो क्लाइंट को देनी पड़ती है। तो आप पीएनडीआईडी ऑटोकैड में हम ड्राइंग करते हैं, तो जब तक आपको जॉब ना लगे तो आप अपना ऑटोकैड तो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर में जॉब लगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो आपके जो है सॉफ्ट जो स्किल है वो पहले आपको क्लियर करनी चाहिए, उसके बाद तो आप इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जाएंगे तो इजीली आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे और अच्छी अच्छी पोजीशन पे आप शायद जॉब लग जाएंगे। मैं तो इतना करोगे तो आपको आगे का करियर एग्जैक्टली सेट हो ही जाएगा, लेकिन आपको उसके पहले ये जो मैंने बोला वो सब बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी फील्ड में जाओ, ऑटोमेशन हो या प्रोजेक्ट में जाओ या कोई सर्विस में जाओ, उसका जो प्री रिक्वायरमेंट होता है उसके जो बेसिक आपको क्लियर करना है। और ये जो ओवर थिंकिंग है कि जो पहले बताया कि जो आपके मन में जो चिंता आती है वो आपको कमी कर देनी है, क्योंकि जब जॉब नहीं लगती है तो आप बहुत ही थिंक बहुत ही माइंड में चलता है कि क्या होगा कर, क्या करेगी अभी, वो नहीं करना है। लेकिन उसके अलावा आप ये करें कि आपके जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंटेशन के जो स्कोप है उसके टॉपिक के बारे में हम पर्टिकुलरली एक लिस्ट बनाए और उसमें जाके हम अपना सब्जेक्ट जो है वो चूज करें और उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है वो ढूंढ के हम नॉलेज बढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने पहले बताया कि हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक तो प्रेशर फ्लो लेवल टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व प्रोसेस कंट्रोल लूप कंट्रोल सिस्टम ये सब है, तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आप ये तो प्रोजेक्ट में जाओ, ऑटोमेशन में जाओ या किसी भी फील्ड में जाओ, ये सब है वो बेसिक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कोई भी जॉब में जाओगे तो ये तो आपके काम में आएगा, क्योंकि प्रेशर के जो इंस्ट्रूमेंट है एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर हो तो प्रेशर के जो इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर गेज है तो आपको वहां पे डेटा शीट देनी है उनको, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि प्रेशर में कौन से टाइप आते हैं और क्या होता है, एब्सोल्यूट गेज प्रेशर है क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। बाद में कंट्रोल वाल में भी ऐसा होता है, कंट्रोल वाल में भी आपको कुछ प्रोजेक्ट इंजीनियर हो तो आपको उसको डेटा शीट देनी पड़ेगी, और एज ऑटोमेशन इंजीनियर हो तब भी उसमें भी आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या पता होना चाहिए कि आप कौन से डिवाइस कहाँ पे यूज कर सकते हो, एआई में डीआई में, वो सब आपको पता होना चाहिए। और कंट्रोल सिस्टम वो सब में आता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर हो वो भी कंट्रोल सिस्टम में इन्वॉल्व होता है कि कहाँ इन्वॉल्व होता है, जब बेसिक तो उसको रिक्वायरमेंट होती है डेटा शीट देना है तभी वो पीएलसी डीसीएस का वो प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है वही क्लियर करता है। ऑटोमेशन इंजीनियर क्या करता है कि जो उसने जो दिया प्रोजेक्ट इंजीनियर में उस पर इम्प्लीमेंटेशन करता है, कि यानी कि वो पूरा प्रोजेक्ट क्लियर करता है, सिस्टम इंस्टॉल करके देता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको जॉब लगती है तो उसके जाने से पहले आपको कौन से टॉपिक जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। तो इसमें से दो टॉपिक है ना वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और वो आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी इंडस्ट्री में जाए तो ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जॉब जाए तो आपको एटलीस्ट समझ में होना चाहिए कि मुझे ये तो पहले जाके देखना ही है। उसमें दो टॉपिक है, आपको जो कोई भी इंडस्ट्री हो तो उसके जो सेफ्टी गाइडलाइंस है वो आपको क्लियर कट होनी चाहिए। बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका चार्ट और एस्केलेशन चार्ट दोनों आपको पता होना चाहिए। जो पहले जो सेफ्टी गाइडलाइंस आते हैं तो उसमें क्या है कि आपको जॉब लग गई एज अ प्लांट मेंटेनेंस इंजीनियर कोई प्रोसेस इंडस्ट्री में, यानी कोई पावर प्लांट में, तो आप वहां पे गए तो आपको ये कोई अच्छी इंडस्ट्री है क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री है वो तो उतना बिजी होती है कि उसके जो एचएस डिपार्टमेंट है वो कभी कभी आपको ट्रेनिंग नहीं देते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनी होती है वो आपको अच्छे से ट्रेनिंग देती है। लेकिन पॉइंट ही नहीं है ट्रेनिंग दे या ना दे, लेकिन आपको अपना तो क्लियर होना चाहिए कि मैं इंडस्ट्री में गया तो ये सेफ्टी
सेफ्टी गाइडलाइन मुझे पता है। तो सेफ्टी में क्या होता है कि आप भाग कर तो आप कोई भी काम कर रहे एज अ प्लांट इंजीनियर गए तो वहां पे आप कोई बॉयलर हो या कोई छोटा सा चिलर 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 प्लांट है वहां पे गए आपको हाइट पे काम करता है हाइट पर करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हाइट वर्क करते हैं तो आपके पास हेलमेट है पीपीई किट है और सेफ्टी बेल्ट है सेफ्टी शूज है ये सब आपको पता होना चाहिए कि मुझे जब एक काम करना है तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए। वो आप फर्स्ट रेडी है आपका जॉब का और आपने किसी ने भेज दिया कि भाई ये कूलिंग टावर है उसके जगह मुझे वाइब्रेशन सेंसर है उस पुल के लिए चेक करना है कि वो उसका जो मीजर वेरिएबल है वो सही नहीं आ रहा है वो चेक करना है तो आप वहाँ पे टेक्नीशियन के साथ चले गए तो ऐसे आपको कुछ पता नहीं है तो आप सीधे सीधे चले गए तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी सेफ्टी वाला बंदा वहाँ पे चक्कर लगा रहा होगा तो आपका फोटो भेज पे आपको सीधा फाइन लगा देगा या फिर आपको वार्निंग लेटर दे देगा। इसलिए आपको ये सेफ्टी गाइडलाइंस तो पता ही होना चाहिए। सेफ्टी गाइडलाइन में देखो पहले वी आर ऑल पीपी विच विल प्रोवाइड बाई योर ऑर्गेनाइजेशन वो आपको पीपी जो है ना वो आपको दे देगा। फॉलो सेफ्टी रूल एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन इंस्ट्रक्शन आप कोई जॉब गर्ल तो आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन आपको इंट्रो करा देगा लेकिन कई इंडस्ट्री मैंने आपको बताया कि कई इंडस्ट्री आपको नहीं बताएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए सेफ्टी रूल आपकी जो जॉब नहीं लगी उस टाइम के पहले तो आप ये आप इंटरनेट पे जाकर देख ही सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेफ्टी चार्ट है मोस्टली सेम ही होता है तो आप ये फॉलो अप कर सकते हैं कि ये सेफ्टी रूल है कोई भी इंडस्ट्री में जाए तो इतना होना चाहिए। एक फर्स्ट तो मैंने भी बता दिया आपको कि वो हेलमेट वाला और सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी सीट तो आपको होना ही चाहिए और कोई भी प्लांट में गए तो उसका प्लांट में वो आपको मालूम होना चाहिए। ये जो लास्ट वाला जो है वो तो शायद आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है उसका प्लांट में पे वो कॉन्फिडेंशियल होता है उसे गूगल पे आसानी से नहीं होता वो वहां पे जाके आप उसको उसके पास से ले सकते हो लेकिन बेसिक के आपको ये क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हो या कोई भी इंजीनियर हो कोई काम कर रहा है तो उसके आपके पास में परमिट होनी चाहिए। कोई आप एक्चुएटर खोल रहे हो तो वहां पे जाके आपको पता होना चाहिए कि एक्चुएटर खोलने के लिए मुझे क्या क्या पे रिक्वायरमेंट है उसके साथ जो लाइट है वो आइसोलेट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक साइड से फीडर बंद करवाना पड़ेगा ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब आप गूगल पे ढूंढ सकते हो कि मुझे कुछ एक्चुएटर खोलना है तो उसके बेसिक प्री रिक्वायरमेंट क्या है वो तो आपको गूगल में से आसानी से मिल जाएगी वो आपके उस पर सर्च करके आप लिस्ट बना सकते हो तो ये आपको आसानी होगी। तो आप इंडस्ट्री में जॉब लग गए तो उसके बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा कि ये पता है तो आपको किसी के पास से हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी ये समझ गए तो आपका जो बेसिक है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है इस सेफ्टी में किसी को डाउट है क्या नो सर ओके तो ये डाउट था ये तो सही है लेकिन आपके मन में कोई दूसरा कोई सवाल है तो आप मुझे सेफ्टी गाइडलाइन पूछ सकते हैं। सर मुझे है व्हाट सर मुझे एक क्वेश्चन पूछो बोलो सर जैसे कोई भी एक होता है मतलब एक आईसी इंजीनियर होता है या फिर कोई भी पोस्ट पे हो तो सर उससे प्लांट में फील्ड वर्क पे जब भी जाता है तो सर उससे कैप की कौन सी कलर होती है पोस्ट के हिसाब से कैप की कलर दी जाती है सर मुझे बता सकते हैं थोड़ा किसका कलर कैप जो पहनता है इंजीनियर कैप कैप या जो बेसिकली उसमें एक
चार्ट आता है जो इंजीनियर का ना पर्टिकुलर हेलमेट कैप नहीं बोलते उसको हम हेलमेट बोलते हैं, वो सेफ्टी हेलमेट होता है क्योंकि कैप तो वो हेलमेट ओके कोई बात नहीं कैप कैप और हेलमेट में बहुत डिफरेंट है। सेफ्टी हेलमेट मैंने बताया कि सेफ्टी हेलमेट पहनना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप कहीं नीचे काम कर रहे हो ऊपर से कुछ गिरेगा तो कैप होगी तो आपको तो नहीं वो करेगा बचा पाएगा, लेकिन इसे वो सेफ्टी हेलमेट यूज होता है और वो बहुत ही मेटल का बना होता है। कि अभी वो सेफ्टी हेलमेट आपने पूछा कि कौन से कलर का, तो हमारे जो इंजीनियर के लिए जो होता है ना वो एग्जैक्टली व्हाइट कलर के ही हम पहनते हैं, जो रेड कलर के वो फायरमैन पहनते हैं। ऐसे आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा कि किस किस टाइप के हेलमेट आते हैं और कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो मेन है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हो या कोई अदर इंजीनियर हो, हमारे लिए तो ओनली फॉर फाइटिंग हेलमेट पहनना है, ठीक है। यस सर, आपका क्वेश्चन सही है। आप इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है कि आप अगर इंजीनियर लग गए तो आप कौन सा हेलमेट पहनेंगे, सही है। दूसरे बंदे को बढ़ाओ। उसके बाद आपका है जो समझना आपको चाहिए वो है एस्केलेशन मैट्रिक यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, वहां पे जाके भी आप समझ जा सकते हो, लेकिन आपको पहले से जो पता है तो आप बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि वहां पे जाओगे तो आपको कोई बताएगा नहीं कि ये प्रॉब्लम है तो आपको किसकी बात करनी है और इसका जो उसका जो एस्केलेट किसके साथ करना है, तो उसके लिए इंडस्ट्री की एस्केलेशन मैट्रिक्स होती है। आई थिंक वो सब इंडस्ट्री में कॉमन ही होती है। ये मेरे हनीवेल का आपको शेयर किया है। हनीवेल में कैसा है कि वहाँ पे स्टेट कोऑर्डिनेटर होते हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हेल्पडेस्क इंजीनियर और लास्ट में सर्विस इंजीनियर सर्विस हेड होते हैं। तो पहले मैं आपको कोई प्लांट के बारे में बता देता हूँ कि आप कोई प्लांट में जॉब कर रहे हो तो वहां पे कैसा होता है कि पहले टेक्नीशियन लेवल आता है, उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन आता है, उसके बाद इंजीनियर आता है, उसके बाद सीनियर इंजीनियर, और उसके बाद जो आता है वो सीनियर मैनेजर आता है, उसके बाद मैनेजर, और उसके बाद प्लांट मैनेजर आता है, और उसके बाद ओनर आता है। तो आप जॉब में गए और आपकी बजट आप एग्जीक्यूटिव यानी टेक्नीशियन के लेवल में गए तो वहां पे जाके आपसे कोई मिस्टेक हुई तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे ये प्रॉब्लम आपको किससे शेयर करना है और या किसको मेल करना है या किसको रिप्रेजेंट करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सीनियर इंजीनियर हो और आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप जो आपके नीचे वाले को बताना है, ऐसा नहीं है। आपको आपके ऊपर वाले लेवल को ही दिखाना है कि आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, अब मैं इसका कैसा निराकरण लाऊं। ये आपको सब एस्केलेशन जो मैट्रिक्स है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही रोल है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स होता है। मैं मानता हूँ पॉलिटिक्स कोई भी इंडस्ट्री में कॉमन चीज बन गई है। जैसे कि आपसे कुछ गलत हो गया इंडस्ट्री में, कोई हमारे कोई इंस्ट्रूमेंटेशन में से कोई पीएलसी का कोई जो डिवाइस है वो आपसे साथ गलती से डिसकनेक्ट हो गया तो आपने गलत बंदे को शेयर कर दिया तो कहीं भी जाके कहीं भी कंप्लेन कर सकता है। इसीलिए फर्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ तो मुझे किसको एस्केलेशन करना है और कहाँ पे एस्केलेशन करना है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ये आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कोई भी इंडस्ट्री का एस्केलेशन मैट्रिक्स कैसे होता है, ये यानी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे होता है। ओके, डाउट है इसमें? नो डाउट सर, मुझे डाउट सर।
सर इसके अंदर जो पोस्ट जो दिखाई जाती है इंजीनियर, फिर क्या बोलते हैं दूसरा है क्या, सर्विस हेड, तो सर ये पोस्ट पे अगर अपने को पहुंचना हो तो फिर क्या करना हो सर, क्या करना होता है ये अगर पोस्ट चाहिए हो तो अपने को? मैंने आपको पहले ही बताया, आप किसी भी पोस्ट में पहुंचना है तो आपके जो आपने जो फील्ड चूज किया है ना उसको आपको पहले तो आपको उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद आप जब जॉब लगेंगे तो अगर जूनियर इंजीनियर में आप लग गए तो आप जूनियर इंजीनियर में ऐसा इम्प्लीमेंट करना है कि आपका जो एनुअल जब मीटिंग होती है उसमें आपका प्रमोशन हो, जॉब में भी आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, जो आप ऐसे परफॉर्मेंस दिखाएंगे तभी आप जो ये वहां पे पहुंच जाओगे। उसके उसके लिए आपको मेहनत तो थोड़ी तो करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको नॉलेज, वो आपकी जो नॉलेज है आपको नॉलेज बहुत आपका बढ़ाना है, और कोई भी टॉपिक हो उसके उसको आपको ऐसा कर देना है कि आपके रिक्वायर आपको पर्टिकुलर एक सिक्योर बना देना है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो वो आपको ही कॉल करे, कोई इंजीनियर कोई दूसरे बंदे को नहीं, आपको ही कॉल करे, वो आप ही वो सॉल्यूशन कर पाए, तभी आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखेगा। यस सर, समझ गए ना? यस सर। ओके, अभी लास्ट 10 मिनट है, आप कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। If anyone is not having any questions, we would like to wind up the session. उसके पहले मैं एक फीडबैक शेयर करना चाहता हूँ, उसमें बोलता हूँ कि feedback. Yes, we have actually posted the feedback link. That's what I wanted to share. Okay. We have in the message I have shared the feedback link. Everyone is supposed to compulsorily fill the feedback link. Then and when you will be eligible for the next webinar, any sort of webinars conducted by the department as well as certificate. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, best of luck, guys, for future. Just a minute. Hemant, you wanted to ask any question? No, sir. You raise your hand. And I would like our Honorable HOD sir to give a vote of thanks for Yash. Sir. Am I audible? Yes, sir. Hello. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, first of all, thank you very much, Mr. Yash Patel, for accepting our invitation to deliver your experience-based talk. I would also like to thank Dakshini sir for taking the pain and organizing this entire event. With a very short time period. Now coming back to the main subject, Yash has taken very good pain and it shows that he has got in these 3 years very good experience. He started with advising you that if you don't get the job, don't start preparing for the higher study. Because higher study is not the solution for unemployment. You have to take it as a challenge and prepare yourself to take up the task or get the required job for you. So that's a very good experience which he has said for you. Hope all of you will learn, motivate yourself to take up the next phase of challenge which is likely to come after 1 year. Okay, later on he has given you very good piece of advice, very good piece of advice. If you are free sitting at the home, don't waste your time. Just develop your other type of skill, develop your technical skills, develop your soft skills. These are also very important things for finding out the job. So finding out the job is also a good job. Take up this challenge. Hope yes, whatever yes has delivered in his talk, that each and every participant in getting the his or her future better. So thank you very much again. Thanks, yes, thank you. Thank everyone for joining the webinar and making it a good success. Thank you. Okay, sir. Thank you. All the best, guys. Okay. All the best. Everyone, please fill the feedback form. I would like to add that in future also, whenever it is required, we would like to call you on such platforms or
if possible, means later on, whatever sort of help we will be requiring from our alumni, we will be definitely reaching out to you. Sure, no problem. Sure. Thank you.